आइए अभी हम बनाते हैं सिंगदाना चिक्की। इसके लिए मैंने एक जो है तवा गरम कर लिया है। अब इसमें 100 ग्राम जो है पीनट्स, वो पीनट्स सिंगदाना डालेंगे और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आइए 2 मिनट हो चुके हैं, दाने जो है हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं। गैस बंद करके इनकी स्किन जो है, छिलके जो है हम निकाल लेंगे। आइए अब एक कढ़ाई गरम कर लिया है। अब इसमें 100 ग्राम जो है हम जेगरी गुड़ डालेंगे और 1 चम्मच घी डालेंगे। इसमें 1/2 चम्मच से थोड़ा कम जो है हम घी इसमें ऐड कर देंगे और गुड़ को जो है मेल्ट करेंगे। डाल दिया घी हमने। लो फ्लेम पे जो है इसको मेल्ट करना है हमें, और गुड़ मेल्ट हो जाए इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे 1-2 मिनट के बाद। आइए अब एक थोड़ा सा जो है पानी इसमें डालेंगे, 1 टेबल स्पून से भी थोड़ा कम है, जिससे हमारा गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। इस तरह से बड़े झाग आ जाए तो समझिए कि ऑलमोस्ट तैयार होने में है, लेकिन अभी 1-2 मिनट तक और कुक करेंगे। आइए 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है जरा चेक कर लेते हैं हमारा सिरप क्या है, सिंग क्या बना है। इसके लिए थोड़ा सा पानी एक बाउल में लेके 1-2 ड्रॉप इसके अंदर डाल दिया है और ड्रॉप बिखर नहीं रहे, तो ऑलमोस्ट जो है हमारी चाशनी जो है तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऐसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। अब फटाक से हम इसमें हमारे जो सिंग जो मैंने छील के निकाल दिए थे, स्किन पिल आउट करके इसको स्प्लिट कर दिए थे, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और एक बार अच्छे से चला लेंगे। और अब ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, बस 2 मिनट तक उसको कुक करेंगे। आइए अब एक ब्रश लेके, ब्रश में घी लेके हम एक जो है स्टील की प्लेट में इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। एक अच्छा सा लेयर, एक कोटिंग बना देंगे घी का। तो वैसे भी इसको 3-4 मिनट हो चुकी है, अब इसको हम स्टील के बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो है प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट में ले लिया है और अच्छे से बराबर फैला के मिक्स कर दिया है। बहुत ही नाइस लुकिंग और ये क्रिस्पी बनेगी हमारी ये जो है सिंगदाना चिक्की। अभी इसको ठंडा होने के लिए एटलीस्ट 1/2 घंटा हम रख देंगे। आइए थोड़ी सी चिक्की जो है हमारी गर्म है अभी हल्की सी, तो अब हम इसमें कट लगा लेते हैं, बाद में बहुत ही रिजिड एकदम कड़क हो जाएगा तो इससे पीस नहीं निकल पाएंगे, तो अभी पीसेस निकाल देंगे हम। इस तरह से हमने कट लगा दिया है और अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये बाजार में जो चिक्की आप खरीदते हैं रेडीमेड, उसे कहीं गुना बेहतर टेस्टी और हेल्दी है, और ठंडी के सीजन में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी आइटम है। आप घर पे बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगी। बाजार से तो कहीं स्वादिष्ट और पौष्टिक और क्वान्टिटी और क्वालिटी में बेस्ट रहेगी ये हमारी सिंगदाना चिक्की। फ्रेंड्स, ये 1 घंटे के बाद मैंने पीसेस जो है निकाल दिए है, आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट चिक्की बनी है हमारी, एकदम परफेक्ट जो बाज़ार में मिलती है उसे कहीं अच्छा। क्वालिटी वाइज भी बेस्ट है और टेस्ट में भी बेस्ट है ये हमारी चिक्की। ये सारी चिक्की जो है मैंने निकाल दी है इस तरह से। तो ये रेडी है हमारा सिंगदाना चिक्की।